सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द नीट एग्जाम्स. ओके, सो पहला क्वेश्चन आपका है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, बेसिक यूनिट मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ किसका है, किसके बारे में बात करें, क्योंकि ये सेल बायोलॉजी की बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट. ठीक है, सेकेंड पे आते हैं सिंगल सेल एंड मेनी सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड. ठीक है, ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड. तो अगर आपका सिंगल सेल है मतलब यूनिसेलुलर होगा, मेनी सेल है मतलब मल्टी सेलुलर होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए. ओके, थर्ड पे आते हैं विच इज कार्डिंग रिगार्डिंग द सेल. सेल इज नॉट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो देखो आपका सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल, क्योंकि वो आपके पूरी बॉडी का शेप बनाती है. ठीक है, और यहाँ पे सेल क्या है, यूनिट. फंक्शनल क्यों बोलते हैं, कि एक सेल बहुत सारे उसके सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं बहुत सारे. ठीक है, तो वो ऑर्गेनेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे माइटोकांड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक है, तो उससे क्या करता है, आपको एनर्जी मिलती है, तो वो एक्ट एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो आपका क्या हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी. ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट सेल इज सीन बाई. फर्स्ट सेल किसने देखा सबसे पहले, एंटोनी वान लियेनॉक ने देखा. ठीक है, सीन बाई नॉट डिस्कवर्ड बाई. ओके, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा ट्यूनिंग कर देते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम सेल इज डिस्कवर्ड बाई तो रॉबर्ट हुक, बट सीन बाई देन आंसर क्या जाएगा आपका, एंटोनी वान लियेनॉक. ठीक है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड, न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की. ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन आपका कौन सा आंसर सही है, रॉबर्ट ब्राउन. ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा ऑप्शन इसमें सेम हो गया, तो सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल ऑफ सेल इज वनली सीन बाई, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल किसके द्वारा देख सकते हो, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो माइक्रोस्कोप भी दिया, माइक्रोस्कोप बहुत टाइप्स के आते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं किसमें, सेल को देखने के लिए. ठीक है, फिर आता है, सॉरी ये ड्रॉप गिर गई वाटर की. फिर आता है आपका मैथियस स्लाइडेन, स्टडीड इन 1838. ठीक है, दो साइंटिस्ट थे आपका मैथियस स्लाइडेन, जिन्होंने एग्जामाइन किया नंबर ऑफ प्लांट. ठीक है, प्लांट सेल को. ठीक है, किस सन में, 1838. उसके बाद तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट. ठीक है, फिर आता है आपका थियोडोर सोन स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल. ठीक है, थियोडोर सोन का क्रेडिट जाता है एनिमल सेल की स्टडी के लिए. ठीक है, फिर आपका आता है सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई, सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडेन एंड सोन ने. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई. ठीक है, फिर आपका क्या आता है कि सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज गिवन, एक स्टेटमेंट दिया एक साइंटिस्ट है रूडोल्फ विरको, उन्होंने बोला कि सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सेल कहाँ से एराइज होते हैं, जो पहले वाली सेल है उससे वो बनती हैं. एक टर्म आता है ओमनिस सेलुला एसेलुला. ठीक है, उसका मीनिंग होता है सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, रूडोल्फ विरको. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए. फिर आते हैं कुछ, फिर आता है कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला इज गिवन बाई, जैसे मैंने बोला कि किसने दिया, रूडोल्फ विरको ने. ठीक है, नेक्स्ट आता है टू स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी. अब सेल थ्योरी के टू स्टेटमेंट थे, उसमें पहला था कि आर लिविंग आर कंपोज ऑफ सेल, मतलब सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किससे बने होते हैं, सेल से, और सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ए राइट आंसर, बी इसमें गलत दिए हैं. ठीक है, फिर आता है विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल. टिपिकल प्लांट सेल, ओनियन सेल को हम बोलते हैं कि ये टिपिकल सेल का एक एग्जांपल है, उसमें बहुत सारी सेल होती है, इसलिए हम टिपिकल सेल बोलते हैं. ठीक है, तो प्लांट सेल में अगर कोई पूछे टिपिकल सेल कौन सी है, तो ओनियन सेल है. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस कंटेंट. न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है. ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा. जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियस में कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोसोम में पाया जाएगा. ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज फाउंड इन, तो ऑप्शन अगर क्रोमोसोम दिया तो वो सबसे अच्छा सटीक आपका वो हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है, सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल. ठीक है, तो देखो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में पाया जाता है, यूकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट क्या होता है, एडवांस सेल होती है.
बट मेम्ब्रेनलेस कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो आप देख लो, ए यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इज द राइट वन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, डी इज द राइट वन। ओके, फिर आता है इन सेल वेरियस केमिकल रिएक्शन अकरिंग। सेल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो आपके साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि नेचर क्या होता है, फ्लूइड टाइप का होता है, तो उसमें आपके केमिकल रिएक्शन जो भी सेल के अंदर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स बहुत प्रिमिटिव टाइप की सेल होती हैं, तो उसमें डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गन से अनडेवलप्ड होते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। ये ऑप्शन इसमें सेम हो गए, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, देन प्रोकैरियोट इज द राइट वन। फिर आता है राइबोसोम एंड सेंट्रियोलर कैसे हैं, ये मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन लेस, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिलेयर्ड होते हैं, तो और सेंट्रोस, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड हैज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, ठीक है, तो ये इज द राइट वन, ठीक है, अदर आप देखोगे तो गलत होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपका, माइक्रोप्लाज्मा, साइज है 0.3 माइक्रोन, राइबोसोम ये लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं, ये मतलब लार्ज है एज कम्पेयर टू माइक्रोप्लाज्मा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट सेल, तो आपका माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। फिर आता है सेल साइज ऑफ बैक्टीरिया, कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोन मीटर, ठीक है, अदर आर इनकरेक्ट। लार्जेस्ट सेल कौन सी है आपका, ऑस्ट्रिच ईग इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना लार्जेस्ट पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, अगर लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो आपका नर्व सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, लॉन्गेस्ट सेल में मैच द फॉलोइंग पेयर, इसमें कुछ मैंने जैसे ए बी सी डी करके लिख दिया है, और इसमें से मैच करना है 1, 2, 3, 4 कौन सा सही, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सही है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये किस टाइप की हैं, ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल है। शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करोगे तो बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। बैसिलस कैसे हो, रोड लाइक होते हैं, कोकस स्पेरिकल होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप में, स्पाइरलम, मतलब जो ऑप्शन ए का यही सही है, सामने ही सही लग रहा है। व्हाइट ब्लड सेल एक ऐसे व्हाइट, डब्ल्यू बी सीज कैसी होती हैं आपका, अमीबॉइड होती हैं, आर बी सीज कैसी हैं, बाइकन के और राउंड। तो इसमें हमें लगता है कि ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सारे सही हैं, सीधे मतलब उसके सामने ही राइट आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें गलत भी हो सकते हैं, तो आपको मैचिंग करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर आता है प्रोकैरियोट्स हैज, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नेकेड डीएनए, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, प्लाज्मिड, तो ये सारे करेक्टर्स में मिलते हैं। दूसरा क्या है, वल्ली प्लाज्मा, ये गलत है, वल्ली डेवलप्ड डीएनए, ये भी गलत है, नन, ए भी गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉर फिनोटिपिक करेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। फिनोटिपिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता होगा, प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है। मैच द करेक्ट पेयर, तो प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडी एंड मीजोसोम, ये सारी किस्में पाई जाती हैं आपकी बैक्टीरिया में। ग्लाइकोकैलिस सेलवाल का करेक्टर बैक्टीरिया, सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है आपकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डी का 3 इसमें देखो कौन सा सही है, डी का थ्री, तो ये आपका राइट वन, ठीक है। बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, तो सी का 4th, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैचिंग करना पड़ेगा, तो सी का 4th, बी का 2, ए 1, ए डी 3, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मीजोसोम क्या होता है, ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम, अदर इज इनकरेक्ट, एक्सटेंशन ऑफ माइटो, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मीजोसोम, ठीक है, फंक्शन ऑफ मीजोसोम का क्या है, रेस्पिरेशन, सेक्रेशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो ये आपका सही ऑप्शन है, और अदर आर इनकरेक्ट हैं, ठीक है। क्रोमैटोफोर कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, एक कलर इस एक पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमैटोफोर, ठीक है, और रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम किससे बना होता है, थ्री पार्ट से बना होता है, फर्स्ट वन फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडीज, ठीक है। तो कुछ और बचे हुए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में 80S पाए जाते हैं।
राइबोसोम साइज 15 to 20 nm साइज होता है। फैन मेनी राइबोसोम अटैच्ड फ्रॉम मैसेंजर एंड इट इज कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं, रिजर्व मटेरियल किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मैस राइबोसोम्स क्या होते हैं, 70S किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में 80S पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स, तो बी इज़ द राइट वन, ठीक है। फास्फेट ग्रेन्यूल साइनो और क्या है, साइनोफिजियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपका इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सारे एक्चुअली इंक्लूजन बॉडीज होते हैं इतने सारे, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम दे यूकैरियोट्स इंक्लूड्स, यूकैरियोट्स में कौन कौन से आते हैं, प्रोटिस्टा आता है, प्लांट एनिमल आता है और फंजाई आता है, ठीक है। एक्सटेंशन कंपार्टलाइजेशन, एक्सटेंसिव कंपार्टलाइजेशन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किसमें प्रेजेंट होंगे, आपके यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक्सटेंसिव कंपार्ट मतलब हर ऑर्गन डेवलप्ड होंगे और स्पेसिफिक स्पेस पे पाए जाएंगे और मेम्ब्रेन बाउंड किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोट, तो यूकैरियोट द राइट वन। फिर आता है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट इन, तो किसमें होगा, यूकैरियोट्स में होगा। फिच इज एब्सेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता जबकि एनिमल में सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। आपका आता है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन यूकैरियोट, तो कहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इन क्रोमोसोम, ठीक है। सेल वॉल प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वेसिकल, ये किसका करेक्टर है, ये आपका प्लांट सेल का करेक्टर है, ठीक है। जहाँ भी आपका लार्ज सेंट्रल वेसिकल और प्लास्टिड आ जाए, प्लास्टिक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये जो प्लांट सेल इन एनिमल सेल प्रेजेंट सेंट्रियोल, इन एनिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट बट नॉट इन प्लांट, तो सेंट्रियोल इज द राइट वन, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है, तीन पार्ट से बना होता है, फिलामेंट सूक्ष्म एंड बेसल बॉडीज, ठीक है। राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। जो आपका पॉलीसोम होता है बहुत सारे आरएनए अटैच टू मैसेंजर आरएनए फिच क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें मैचिंग करना है आपको, फर्स्ट क्या है आपका देख सकते हो, ये आपका प्लास्टिड है, सेकेंड क्या है, सेकेंड इसमें देखो, सेकेंड क्या है, ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, थर्ड क्या है, ये राइबोसोम्स अटैच है इससे, फोर्थ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्स क्या है, प्लास्टिड है, फाइव क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, सिक्स क्या है, ये प्लास्टिड है, सेवन्थ क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल बोल लो, एट क्या है, आपका न्यूक्लियस है। तो मैच करोगे तो आपका ए इज़ द राइट वन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आई थिंक इसमें क्या है, ये आपका सीरीज फर्स्ट है, क्या है, सीरीज फर्स्ट है, ठीक है। तो इसका हम अभी शायद दो पार्ट बने सेल, ठीक है। तो आपका ये सारा सेल बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा और इससे आपके क्वेश्चंस नहीं तो नीट में कितना आएगा, कम से कम 20 marks का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोलॉजी का बेसिक है, ठीक है, यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट है, कोई आंसर आपको लग रहा है कि मतलब जो मैंने बोला सही है वो गलत है, ठीक है, इस तरह से, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं डिस्कस किया हूँ, तो आपको मैं एक इंस्टामोजो पे अकाउंट है, मैं उसका डिटेल दे देता हूँ, वहाँ पे आपको शायद 8 या 10 rupees आपको देने पड़ेंगे, या गूगल पे या फिर पेटीएम, जिससे भी आप उसमें ड्रॉप कर दो, ठीक है, और सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन मैं इसमें क्या है, एक पेज में मैं ऑप्शन भी दे दूंगा जिससे आपको पता चले कौन से आंसर सही है, हालांकि मैंने अभी डिस्कस किया है सब, तो आप कुछ टाइम के बाद हो सकता है भूल जाओ, ठीक है, तो उसके लिए मैं आंसर की भी इसका दे दूंगा, ठीक है। सो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो ज़रूर इसको देख के जाइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल।